Good morning students, welcome to your EVS class. Today we are going to start chapter The World of Plants. We see many type of plants around us. हम अपने आसपास अलग अलग टाइप के प्लांट्स देखते हैं. They are of different shape and size, और वो different shape and size की होती हैं. Some of them are small and some are big in size. उनमें से कुछ स्मॉल साइज के होते हैं और कुछ बिग साइज के. देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ प्लांट, ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. फाइव टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं, ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. ट्रीज आर बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स. जो ट्रीज है वो बिग, टॉल और स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ प्लांट्स होती है. They have a thick brown and woody stem called trunk. Trees की trunk thick, brown और woody होती है, जिसे trunk बोला जाता है. Herbs are very small and weak plants. Herbs बहुत ही छोटी और weak plants होते हैं. They have thin green and soft stems. इनकी बहुत ही thin green और stems बहुत ही soft होती हैं. Shrubs are small to medium sized woody plants. Shrubs भी woody plants हैं, पर इनका size small से medium होता है. They are smaller than trees, और ये trees से small होती हैं. Examples of shrubs are cotton plant and tea plant. Creepers are weak plant. They mostly grow along the ground. जो creepers हैं उनकी stems बहुत weak होती हैं, तभी इन्हें weak plants बोला जाता है, और ये mostly ground के साथ ही grow करती है. They have weak stems and thin branches. इनकी जो stems हैं बहुत ही weak होती हैं, और जो branches हैं बहुत ही thin होते हैं. Climbers cannot stand straight and need support to grow. जो क्लाइंबर्स हैं वो कभी भी अपने आप स्ट्रेट नहीं खड़े हो सकते, उन्हें सपोर्ट चाहिए ग्रो करने के लिए. Now open your book, lesson number 9, The World of Plants. Let's do warm-up exercise. Fill in the missing letters to complete the names. यहाँ पे आपको फ्रूट्स दिए हुए हैं, देखो फ्रूट्स वेजिटेबल्स की पिक्चर्स दी हुई है, और आपको इनको जो मिसिंग वर्ड्स हैं आपको इनके मिसिंग वर्ड्स को फिल करना है. दिस इज़ पियर, तो आप यहाँ पे स्पेलिंग लिखोगे पियर की. लेमन, एप्पल, नट, टोमेटो, स्पिनच, तो आप इन सभी की क्या करोगे, स्पेलिंग लिखोगे, जो मिसिंग लेटर्स हैं उनको फिल करोगे. Some plants have such weak stems that they climb on other plants for support. कुछ plants के इतने weak stems होते हैं कि वो other plants पे climb करते हैं for support. They are called climbers. उन्हें climbers बोला जाता है. Money plant, green peas and grapevine are called climbers. जो money plant होती है, green peas होते हैं, और जो grapevine के plant होते हैं, इन्हें क्लाइंबर्स बोला जाता है. शॉर्ट प्लांट्स विद अ वुडी स्टेम, ये प्लांट्स शॉर्ट होते हैं और इनके स्टेम्स वुडी होते हैं, और इसे क्या बोला जाता है, श्रब्स. दे हैव मैनी ब्रांचेस, इनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. कॉटन एंड टी आर श्रब्स, जो कॉटन प्लांट है और टी प्लांट है इन्हें क्या बोला जाता है, श्रब्स. Plants with soft green stems are called herbs. जो plant जिनकी stems बिल्कुल soft और green color की होती है उन्हें herbs बोला जाता है, जैसे कि grasses, mint and coriander are herbs. Tall, big and strong plants are called trees. Tall, big और जो strong plants होती हैं उन्हें बोला जाता है trees. They have tall, broad and woody stems. उनकी जो stems होती हैं वो काफ़ी tall, broad और woody होती हैं, जिसे बोला जाता है trunks. They have many branches और इनकी बहुत सारी branches होती है. Oak, neem and banyan are examples of trees. Oak tree, neem and banyan tree, ये सभी example हैं trees के. Some plants with weak stems grow along the ground. They are called creepers. कुछ plant होते हैं जो ground के साथ ही grow करते हैं.
पम्पकिन, वाटरमेलन एंड बॉटल गार्ड आर क्रीपर्स. ये सभी पम्पकिन, वाटरमेलन एंड बॉटल गार्ड ये सभी क्या हैं? क्रीपर्स के एग्जाम्पल है. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो टुडे वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट. रीड दिस चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड गुड बाय.